हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ रिगार्डिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि रिलीज किया गया है CSIR CCMB के द्वारा। तो इनके थ्रू जो है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को रिलीज किया गया है जिसके अकॉर्डिंग आपको 2 मंथ का यानी लगभग 60 डेज का जो है ट्रेनिंग पीरियड दिया जाएगा, जिसमें कि आप अलग अलग बेसिस पे जो है रिसर्च एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसकी क्या क्या ओवरऑल एलिजिबिलिटी रहने वाली है या फिर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहने वाले, चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट किया है मैंने, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है दैट इज दी CSIR सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद दैट इज CSIR CCMB इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द समर ट्रेनिंग प्रोग्राम 2024। तो ये एक समर ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है। लगभग मैक्सिमम इंस्टीट्यूट जो है हर साल ही एक ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर इंटर्नशिप प्रोग्राम को रिलीज करते हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जिससे कि अगर आपके शहर में, मान लीजिए अगर आप यहाँ वहाँ मूव नहीं कर सकते हैं, तो आपके शहर में अगर ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है तो आप वहां से जो है रिसर्च एक्सपीरियंस ले सकते हैं। या फिर अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके शहर के आसपास अगर ये इंस्टीट्यूट है तो भी उनके लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, जिससे कि आप 2 महीने के अंदर जो है आपका रिसर्च एक्सपोजर हो जाता है, मतलब कि आप जो है लैब में एक्सपोजर कर पाते हैं और सीख पाते हैं कुछ जो भी चीजें आपको आगे चल के काम में आएंगी। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं। मेंशन है द प्रोग्राम इज ओपन फॉर फॉलोइंग स्टूडेंट फ्रॉम ऑल द ब्रांचेस ऑफ लाइफ साइंस स्टडिंग इन एनी इंडियन यूनिवर्सिटी कॉलेज या रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है MSc MTech M Pharma प्रोग्राम। द स्टूडेंट्स एडमिटेड इन 2023 हु कंप्लीटेड द फर्स्ट ईयर ऑफ MSc MTech M Pharma आर एलिजिबल। तो अगर आप मान लीजिए आप 2023 में जो है आपने एडमिशन लिया है MSc हो, MTech हो या M Pharma हो, और आपका जो है फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है MSc का, MTech का या M Pharma का, तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट देखिए BTech B Pharma प्रोग्राम स्टूडेंट। अगर ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने 2021 में एडमिशन लिया है और जिन्होंने जो है 3 ईयर्स ऑफ BTech कंप्लीट कर लिया है, वो एलिजिबल हैं। थर्ड यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, इंटीग्रेटेड BTech MTech स्टूडेंट या फिर BSc MSc या फिर BVSc स्टूडेंट जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है अपना 8th सेमेस्टर या फिर 4 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है स्टडीज का, वो भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट जिनका जो स्टूडेंट MBBS या फिर BDS स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपना 3 ईयर कंप्लीट कर लिया है तो भी वो एलिजिबल हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। BSc इन बायोसाइंस 4 ईयर प्रोग्राम, द स्टूडेंट एडमिटेड 2021 हु कंप्लीटेड 3 ईयर्स ऑफ BSc आर एलिजिबल। और अगर आप BSc बायोसाइंस के स्टूडेंट हो और आपने चार साल प्रोग्राम में जो है एडमिशन लिया है, मेनली 2021 में एडमिशन लिया है, और जिन्होंने जो है 3 ईयर्स अपने BSc का कंप्लीट कर लिया है, वो भी एलिजिबल है। नोट दैट द 3 ईयर BSc प्रोग्राम स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। लेकिन अगर आप जो 3 ईयर वाला BSc प्रोग्राम होता है, जो कि एक मैक्सिमम जनरल BSc प्रोग्राम होता है, अगर आप 3 ईयर वाले BSc प्रोग्राम में थे तो आप एलिजिबल नहीं है, ये मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बात किया जाए, सो इट इज नॉट अ कन्वेंशनल क्लासरूम लेक्चर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। इंस्टेड ईच सेलेक्टेड कैंडिडेट और ट्रेनिंग विल बी असाइन टू द CCMB स्टाफ साइंटिस्ट हु विल सुपरवाइज और मेंटोर देम ड्यूरिंग देयर स्टे। ईच स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू एग्जीक्यूट अ स्मॉल प्रोजेक्ट वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ साइंटिस्ट। तो जिसके अंडर में आपका सिलेक्शन होगा उसके अंडर में रहकर जो है आपको पर्टिकुलर रिसर्च वर्क परफॉर्म करना होगा। अ लेक्चर सीरीज ऑन अ पॉपुलर साइंस टॉपिक, साइंटिफिक एथिक्स एंड गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस एंड अपॉर्चुनिटी इन द लाइफ साइंस विल बी ऑर्गेनाइज फॉर द स्टूडेंट। At the end of the program, student must submit a project report of the work done and required to make a poster presentation. The program mainly intend to give the students real-time exposure or hands-on experience in the research. तो जो ऐसे अपॉर्चुनिटी होती है उससे आपको मेनली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी मिल जाती है, साथ ही साथ एक्सपीरियंस मिल जाता है, एक्सपोजर मिल जाता है, और इस ट्रेनिंग के एंड में जो है आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना होगा, साथ ही साथ पोस्टर प्रेजेंटेशन भी आपको सबमिट करना होगा। नेक्स्ट अगर एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो मेंशन है एन ऑथराइज्ड लेटर फ्रॉम द HOD और डीन ऑफ इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या कॉलेज फ्रॉम द समर प्रोग्राम 2024 शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन। द नेम ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पुट ऑन द CCMB वेबसाइट। इट मे बी नोटेड दैट नो सेपरेट इंटीमेशन वुड बी सेंड टू एनी कैंडिडेट्स एंड दस ऑल एप्लीकेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू चेक द सिलेक्शन लिस्ट ऑन द CCMB वेबसाइट। तो आपको जो है एक ऑथराइजेशन लेटर आपके HOD या डीन की तरफ से देना होगा जिसमें कि मेंशन होगा कि आप उनके कॉलेज या इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं एंड दे आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम कि आप जो है यहाँ पे CSIR CCMB में जाकर आप कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो साथ ही साथ आप सेलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो इसका इंटीमेशन जो है एक सिलेक्शन लिस्ट रिलीज की जाएगी जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज की जाएगी, तो वहां पर विजिट करके आपको चेक करना होगा, आपको पर्सनल तरीके से कोई इंटीमेशन नहीं दिया जाएगा। बोर्डिंग एंड लॉजिंग की देख लेते हैं, रहने की बात देख लेते हैं। देर इज नो फी चार्ज फॉर दिस प्रोग्राम। सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट सेल्फ फाइनेंस देर स्टे इन CCMB हैदराबाद। हाउएवर द CCMB ऑफर शेयर्ड अकोमोडेशन इन द CCMB हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ आउटस्टेशन स्टूडेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर अवेलेबिलिटी। तो आपको इस ट्रेनिंग के लिए कोई चार्ज नहीं देना है,
ऑफकोर्स आपको वहां पे रहने का इंतजाम के लिए जो आपको अपनी तरफ से फाइनेंस लगाना पड़ेगा, और आपको जो है एकोमोडेशन वहां पे दिया जाएगा जो कि शेयर्ड बेसिस पे हो सकता है। इंपॉर्टेंट नोट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मेंशन है एप्लीकेशन फॉर समर प्रोग्राम 2024 मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिट करना है। ड्यूरेशन जो है 60 डेज की रहने वाली है, यानी 8 वीक्स की रहने वाली है, और इसलिए जो है आपको 60 डेज जो है सीसीएमबी में स्पेंड करने पड़ेंगे बिना किसी लीव के। रिक्वेस्ट और एप्लीकेशन फॉर द प्रोग्राम सेंट बिफोर द नोटिफिकेशन विल बी कंसिडर्ड, एनी सच कैंडिडेट मस्ट अप्लाई अगेन अगेन यूजिंग द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म, तो जो इनकी लास्ट डेट है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको जो है अप्लाई करना है। स्टूडेंट मस्ट अपलोड द कॉपी ऑफ मार्कशीट और ग्रेड ऑब्टेन फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड टिल डेट, यानी 10th क्लास से लेकर अभी तक जितने भी आपके पास जो इंपॉर्टेंट आपकी क्वालिफिकेशन या डिग्रीज हैं वो सबको आपको सबमिट करना होगा ऑनलाइन। इन केस ऑफ मार्कशीट और ग्रेड फॉर द सेकेंड सेमेस्टर और एमएससी एमटेक या एम फार्मा और 6th सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर ऑफ प्री फाइनल ईयर बीटेक 8th सेमेस्टर और लास्ट सेमेस्टर, अगर आप मतलब फिलहाल में जो है अगर ऑनगोइंग स्टूडेंट है तो उस टाइम पे अगर आपके पास फाइनल ऑब्वियसली मार्कशीट अनअवेलेबल रहेगी राइट, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बोला है दे मस्ट अपलोड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉलेज इंस्टीट्यूट दैट दे हैव अपियर्ड फॉर द एग्जाम एंड रिजल्ट आर अवेटेड, तो उस टाइम पे जो है आपको जो सर्टिफिकेट आपका मतलब अभी तक उस टिल डेट तक मिल रखा होगा वो आपको सबमिट करना है, और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है कि आप एग्जाम में अपियर हो चुके हैं रिजल्ट अवेटेड है तो उसका प्रूफ भी आपको सबमिट करना होगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी सब आप देख सकते हैं द इंस्टीट्यूट डिसीजन रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स शैल बी फाइनल, और यहाँ पे जो है आपको इस चीज के लिए हमेशा रेडी होना होगा कि आपको अपनी पसंद का भी काम मिल सकता है या फिर ऐसा भी काम मिल सकता है जो कि उस रिस्पेक्टिव मेंटोर से रिलेटेड हो या फिर लैब से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे दोनों के चांसेस होते हैं। ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट और डीन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, तो यहाँ पे जो है इन्होंने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दे के रखा है ऑथराइजेशन लेटर का 15 KB का है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, इसी फॉर्मेट में जो है आपको यहाँ पे ऑथराइजेशन लेटर को सबमिट करना होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्टार्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो हो गई है 5th of February 2024 से, लास्ट डेट जो है सबमिट करने की वो है 15th of March 2024, और जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे उनकी लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी 1st April 2024 को। लास्ट डेट जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का फॉर देयर एक्सेप्टेंस वो होगी 15th of April 2024। टेंटेटिव डेट जो है ज्वाइनिंग की होगी वो होगी बिटवीन 15th May to 14th June, दैट इज ऑन फ्राइडे। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू ज्वाइन आफ्टर 14th June, किसी भी कैंडिडेट को 14th June के बाद जो है अलाउ नहीं किया जाएगा ज्वाइन करने के लिए। तो ये सारा डिटेल है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, उसके थ्रू आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है। सारे इंस्ट्रक्शन देके रखे हैं कि आपको किन किन चीजों की जरूरत है, उन सभी को चेक करने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन करना है एंड देन आपको प्रोसीड कर देना है, ठीक है, इस तरीके से जो है आपको अप्लाई करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है साथ ही साथ एलिजिबल है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।